एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 12th के एनसीईआरटी की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के, दैट इज कोल्ड वॉर एरा, इन विच वी हैव लर्न दैट हाउ कोल्ड वॉर स्टार्टेड एंड किस तरह से पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, राइट? आई होप कि वो लेसन आप लोग को क्लियर हो गया हूँ। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सेकेंड लेसन, विच इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत, राइट? सो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि किस तरह से यूएसएसआर ने कोल्ड वॉर के दौरान कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए एंड इतने सारे एफर्ट्स के बावजूद भी किस तरह सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कि विघटन हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि सोवियत सिस्टम है क्या या सोवियत यूनियन कैसे रिफॉर्म हुआ। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इन टू बींग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917, यानी कि यूएसएसआर एग्जिस्टेंस में आया आफ्टर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन 1917, यानी 1917 में रशिया में हुए समाजवादी क्रांति के बाद। The revolution was inspired by the ideals of socialism and the need for an egalitarian society as opposed to capitalism. Means कि socialist revolution होने के दो reasons हैं। एक तो ये कि revolution inspired था socialism के ideals से, यानी कि समाजवादी विचारधारा से, और दूसरा ये revolution था capitalism के against में, जिससे कि एक egalitarian society establish की जा सके, यानी कि एक ऐसा समाज स्टैब्लिश हो जहाँ हर कोई एक समान हो। सो अभी हमने यहाँ दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। आपको मालूम है कि सोशलिज्म है क्या या कैपिटलिज्म की क्या थ्योरी है? अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म थ्योरी बहुत से फिलोसोफर ने इंट्रोड्यूस किया है या मॉडिफाई किया है, बट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है अबाउट सोशलिज्म, दैट इज़ कार्ल मार्क्स एंड व्लादिमिर लेनिन की, जिनकी आइडियोलॉजीज को मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म के नाम से जाना जाता है। सो एज वी लर्न इन फर्स्ट लेसन दैट सोवियत यूनियन वॉज सोशलिस्ट, जो कि लेनिनिज्म के आइडियोलॉजी पर बेस्ड था, राइट? और आपको ये भी बता दूँ कि लेनिन ने मार्क्सिज्म के आइडियोलॉजी को डेवलप किया है। सो एनीवे, हम बात कर रहे थे सोशलिज्म के आइडियोलॉजी की, यानी कि समाजवादी विचारधारा की। सो सोशलिज्म क्या है कि किसी भी सोसाइटी में जो भी प्रॉपर्टी होगी वो हर एक इंडिविजुअल फैमिलीज या पर्सन के हाथ में नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाना चाहिए। यानी कि सोशलिज्म जो है वो प्राइवेट या निजी प्रॉपर्टी को डिनाई करता है और उस प्रॉपर्टी को पूरे समाज के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को सौंप देने की बात करता है, और इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है सोवियत यूनियन, जहाँ पर सोवियत यूनियन के किसी भी सिटीज़न के पास निजी प्रॉपर्टी नहीं थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एज वी ऑलरेडी लर्नड इन फर्स्ट लेसन दैट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गए थे, बिकॉज हुआ क्या था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सोवियत आर्मीज़ ने उन कंट्रीज़ को फासिस्ट यानी कि फांसीवादी से फ्री किया था। सो ऑटोमेटिकली ये कंट्रीज सोवियत यूनियन की टीम में आ गए थे। अब इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम को भी यूएसएसआर के अकॉर्डिंग ढाल दिया गया था। सो ये सारी जो भी कंट्रीज़ यूएसएसआर के पोल में थे उनको सेकेंड वर्ल्ड या दूसरी दुनिया कहा जाता था, जिनका लीडर यूएसएसआर था। एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका को छोड़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ के कंपैरेटिव यूएसएसआर बहुत डेवलप था। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, सभी चीज़ों का प्रोडक्शन यूएसएसआर में ही होता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं था। सोवियत गवर्नमेंट सारी बेसिक नीड्स अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराते थे, एजुकेशन हो या हेल्थ, सभी फील्ड गवर्नमेंट के अंडर में थी। इससे क्या होने लगा कि सोवियत सिस्टम जो है इस तरह से ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन होने लगी, यानी कि सोवियत गवर्नमेंट निरंकुश और सत्तावादी हो गई, और इस वजह से वहाँ के सिटीजन को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह वहाँ के लोगों के पास इतनी भी फ्रीडम नहीं थी कि वे अपनी विलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, यानी कि उन लोगों के पास वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी राइट नहीं था,
क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में थी और सोवियत सिटीजन्स ने जिस भी रीजन से 15 स्टेट्स को मिलाकर यूएसएसआर बनाया था, पार्टी पब्लिक की उस इच्छा को इग्नोर करके अपनी मनमर्जी उन पर लादना चाहते थे, जिस वजह से वहाँ के पब्लिक खुद को नेगलेक्टिंग फील करने लग गए थे। क्योंकि हो क्या रहा था कि सोवियत यूनियन यूएसए से बराबरी के टक्कर लेने के चक्कर में आर्म्स रेस यानी हथियारों की होड़ में लगा रहा, जिस वजह से सोवियत गवर्नमेंट अपनी पब्लिक की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इच्छाओं को इग्नोर करते चले गए। क्योंकि सोवियत यूनियन टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसए या वेस्ट के अदर कंट्रीज से बहुत पीछे था, जिसका एहसास वहाँ की जनता को हो रहा था। इवन 1970s में सोवियत सिस्टम काफ़ी पिछड़ने लगा। फिर क्या हुआ कि 1985 में मिखेल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी चुने गए और उन्होंने सोवियत सिस्टम को दोबारा सुधारना चाहा, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि वेस्टर्न यूरोप में टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ रही थी, जिस वजह से सोवियत सिटीजन्स के मन में एक असंतोष की भावना ने जन्म ले लिया था। सो गोर्बाचेव सोवियत यूनियन को डेमोक्रेटिक रूप देने के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसी लेकर आए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में सोशलिज्म के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, जिस वजह से यूरोप के कई कंट्रीज़ में सोवियत गवर्नमेंट गिरने लगी। और सोवियत यूनियन के बाहर हो रहे इन घटनाओं की वजह से सोवियत यूनियन के अंदर भी माहौल गर्म हो रहा था। सोवियत जनता के अनसेटिस्फेक्शन को बढ़ावा दिया कम्युनिस्ट पार्टी के अदर लीडर्स ने भी। द पीपल डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड वांटेड फ्रीडम, यानी कि अब वहाँ के लोग कम्युनिस्ट पार्टी के ओल्ड स्टाइल रूल को नहीं चाहते थे, बट दे वांटेड फ्रीडम। सो 1991 में रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस ने डिक्लेयर कर दिया कि अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है, यानी कि सोवियत रिपब्लिक में शामिल जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने अब कम्युनिस्ट पार्टी की जगह कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को अपना लिया था। सो अब हम ये जानेंगे कि इतना बड़ा सोवियत रिपब्लिक एकदम से कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया, क्योंकि गोर्बाचेव ने तो सुधार शुरू कर दिया था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, आइए जानते हैं। फर्स्ट, इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस फेल टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इंटरनली इतने वीक हो चुके थे कि वो पब्लिक के एस्पिरेशंस या डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से लोगों में इतने बड़े लेवल पर असंतोष ने जन्म लिया कि सोवियत यूनियन आखिरकार विघटन हो गया। लेकिन सवाल यह है कि सुपर पावर होने के बावजूद भी यूएसएसआर में ये वीकनेस आई कहाँ से, वहाँ की इकोनॉमिक रुक कैसे गई थी, क्योंकि सोवियत यूनियन ने अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को न्यूक्लियर एंड मिलिट्री सामानों पर ज़्यादा खर्च किया था। और दूसरा ये भी था कि यूएसएसआर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, जिससे कि खुद यूएसएसआर पिछड़ रहा था। ऊपर से सोवियत सिटीजन्स को ये भी पता लग रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले सोवियत यूनियन काफ़ी पीछे जा चुका है, जिस वजह से उनके एक्सपेक्टेशंस को चोट पहुंचा था। और करप्शन, कम्युनिस्ट पार्टी का 70 इयर्स तक रूल करने के बावजूद भी सिस्टम में कोई भी सुधार करने में कैपेबल न हो पाना, लिबरल न होना या सत्ता का सेंट्रलाइज होना, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिस वजह से पब्लिक अब भड़क चुकी थी। इवन मिखेल गोर्बाचेव ने रिफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया था, बावजूद इसके कंपैरेटिव टू वेस्टर्न कंट्रीज़ गोर्बाचेव का ये प्रोसेस वहाँ के सिटीजन्स को बहुत स्लो लग रहा था और उनमें अब इतना पेशेंस नहीं बचा था। इसके अलावा कुछ रिपब्लिक्स जैसे कि रशिया एंड बाल्टिक रिपब्लिक में नेशनलिज्म एंड सोवरेनिटी की इच्छा ने जन्म लिया, जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन यानी कि विघटन का कारण बना। सो अभी तक हमने जाना कि किस तरह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज की, यानी कि इस विघटन के परिणाम की। सो सबसे पहला परिणाम तो ये रहा कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, अब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के बीच कोई भी डिस्प्यूट नहीं था। पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड एंड दस इट लेड टू चेंज इन द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में शक्ति संबंध बदल चुके थे। The US became the sole superpower, which also backed the capitalist economy, making it the dominant system internationally. यानी कि अब US अकेला superpower रह गया था,
जिस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डोमिनेंट इकोनॉमी सिस्टम बन गई थी। द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक पेव्ड वे फॉर द एमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस। यानी कि सोवियत यूनियन के विघटन होने के बाद बहुत सी न्यू कंट्रीज अब एग्जिस्टेंस में आ रही थी, जिनकी खुद की एक इच्छा थी, एक चॉइस थी। जैसे कि कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और बाल्टिक कंट्रीज अब यूरोपियन यूनियन एंड नाटो में शामिल होना चाहते थे, उसी तरह सेंट्रल एशियन कंट्रीज रशिया के साथ साथ अमेरिका एंड चाइना के साथ भी एक रिलेशंस डेवलप करना चाहते थे। इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मेनी न्यू प्लेयर्स एमर्ज, ईच विद इट्स ओन आइडेंटिटी, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज। यानी कि अब इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से न्यू प्लेयर्स उभर रहे थे, जिनमें हर एक की अब एक अलग पहचान थी, खुद का एक इंटरेस्ट था, अपनी एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज थी। सो ये तो थे डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रेगिम्स। अब ये शॉक थेरेपी क्या है? द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। हुआ क्या था कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR अब कम्युनिज्म ख़त्म हो रहा था। सो 1990 में रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अब सोशलिस्ट सिस्टम को छोड़ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ जा रही थी, यानी कि लोकतांत्रिक पूंजीवादी की तरफ जा रही थी। सो इस मॉडल को वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF ने शॉक थेरेपी का नाम दिया, यानी कि चोट पहुंचाकर ट्रीटमेंट करना। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन वॉज ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अब कम्युनिज्म ख़त्म हो रहा था, राइट? सो देर वॉज अ नीड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच मीन्ट रूटिंग आउट कम्प्लीटली एनी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। यानी कि शॉक थेरेपी का मतलब था कि सोवियत सिस्टम से पूरी तरह से छुटकारा पाना और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाना। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब यही है कि किसी भी कंट्री में हर एक इंडिविजुअल फैमिली या पर्सन की अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, एक लिबरल सिस्टम हो जहाँ लोग अपने हिसाब से काम कर सके और जहाँ हर चीज़ प्राइवेटाइज हो। सो शॉक थेरेपी से इन कंट्रीज़ में ड्रास्टिक चेंज हुआ। इन कंट्रीज़ ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड की जा सके। इट ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। यानी कि शॉक थेरेपी में जो भी कंट्रीज USSR के पोल में थे, उन्होंने आपस में किए गए ट्रेड अलायंसेज यानी कि व्यापारिक गठबंधनों को भी ख़त्म किया और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप करने लगे। सो अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। द शॉक थेरेपी ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। यानी कि शॉक थेरेपी से उन कंट्रीज के इकोनॉमिक सिस्टम को कोई फायदा नहीं मिला। यानी शॉक थेरेपी में इन्वॉल्व कंट्रीज के साथ साथ उनकी जनता को भी आर्थिक मार झेलनी पड़ी। द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी रूबल डिक्लाइन ड्रामेटिकली, पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स ड्यू टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हुआ क्या था कि रशिया में 90% इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया गया था। यानी कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट हाथों में दे दी थी। बट ये लोग गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के बजाय अपनी मन मर्जी से उन इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही कम कीमत में बेचने लगे, जिस वजह से रशिया में इकोनॉमिक मार झेलनी पड़ी और रिजल्ट में रशियन रूबल की वैल्यू बहुत ही कम हो गई और इन्फ्लेशन के कारण वहाँ के लोगों को अपनी सेविंग्स तक खोनी पड़ी। वहाँ के गवर्नमेंट ने लोगों को जो भी सब्सिडीज दे रखी थी वो भी वापस ले ली और लोगों में पॉवर्टी बढ़ने लगी। और ये हाल सिर्फ रशिया का नहीं था, शॉक थेरेपी में इन्वॉल्व हर एक कंट्रीज़ का यही हाल था। अब लोगों में अमीरी गरीबी जैसी अनइक्वलिटी की भावना ने भी जन्म ले लिया था। इन कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इतनी अटेंशन नहीं मिली जितने कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को, क्योंकि एक तो इन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को भी बहुत जल्दीबाजी में बनाया गया था, क्योंकि इनका फोकस जो था वो इकोनॉमिक सिस्टम को इम्प्रूव करने में था, पॉलिटिकल सिस्टम की बजाय।
और इस वजह से क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज़ जैसे कि रशिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने जो पावर थी वो प्रेसिडेंट के हाथ में सौंप दी। इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जैसे कि तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान में प्रेसिडेंट के पास इतने सारे पावर्स थे कि वो ब्यूरोक्रेटिक हो गए थे। बट मोस्टली कंट्रीज़ इंक्लूडिंग रशिया 2000 ईयर तक धीरे धीरे इकोनॉमिक तौर पर डेवलप होने लग गए थे बिकॉज दे स्टार्टेड टू एक्सपोर्ट देयर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। नाउ टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स, यानी कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR उसमें शामिल कंट्रीज में सिविल वॉर्स भी हुए, जैसे कि इन रशिया उसके दो रिपब्लिक्स चेचनिया एंड दागिस्तान में वॉयलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट यानी कि हिंसक अलगाववादी आंदोलन होने लगा था। वहीं ताजिकिस्तान में 1991 से लेकर 2001 तक यानी कि 10 सालों तक सिविल वॉर चल रहा था, जहां कई सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट यानी कि सांप्रदायिक दंगे भी हुए। और इसी तरह से कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जैसे कि आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन एंड किर्गिज़िस्तान में कई सिविल वॉर्स भी हुए और साथ साथ आपस में भी कई इश्यूज़ को लेकर इन कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी हुए। इसके अलावा कुछ आउटसाइडर पावर्स एंड ऑयल कंपनीज़ का सेंट्रल एशिया कॉम्पिटिशन जोन था एंड एशिया के अलावा ईस्टर्न यूरोप में भी चेकोस्लोवाकिया का डिवीज़न हुआ, जो चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया नाम के दो अलग अलग देश बन गए। वहीं 1991 के बाद यूगोस्लाविया में हैवी सिविल वॉर हुआ, जिसके बाद ये कई अलग अलग कंट्रीज़ में टूट गया लाइक बोस्निया एंड हर्जगोविना, क्रोशिया, स्लोवेनिया जैसी कंट्रीज़। अब हम बात करेंगे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ यानी कि USSR के डिसइंटीग्रेट होने के बाद एग्जिस्टेंस में आई कंट्रीज़ के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन हैं। इंडिया मेंटेन्ड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन ऑफ इंडिया इज स्टिल विद रशिया, यानी कि इंडिया ने रशिया के साथ साथ अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप किए हैं। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इंडो रशियन रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बोथ द कंट्रीज शेयर अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इंडिया एंड रशिया दोनों कंट्रीज़ का सपना मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी कि बहुध्रुवीय विश्व का है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कई अलग अलग पावर्स एग्जिस्ट करें और वर्ल्ड की हर एक कंट्रीज़ आपस में जुड़े रहें, ताकि जब भी किसी कंट्री को नीड हो, चाहे इकोनॉमिकली हो या आर्म से रिलेटेड हो या कोई भी मसला हो, उसमें मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। एज वेल एज सबकी अपनी एक अलग पहचान हो, अपनी एक फॉरेन पॉलिसी हो। इंडिया गॉट बेनिफिट्स फ्रॉम रशिया ओवर इश्यूज लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाईज, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना। क्योंकि इंडिया ने रशिया के साथ अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश करते हुए दोनों कंट्रीज़ के बीच कई ट्रीटीज़ भी हुए हैं, जिसका फ़ायदा इंडिया को कश्मीर जैसे इशू में मिला है। और इसके साथ साथ एनर्जी सप्लाईज, सेंट्रल एशिया तक पहुंच एंड चाइना के साथ रिलेशन डेवलप करने में भी इंडिया को फ़ायदा मिला है। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। बोथ द कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड ओवर मेनी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। और सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि रशिया को भी इस रिलेशनशिप से काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं। यानी कि रशिया के लिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है यानी कि सैन्य बाजार, और इवन दोनों कंट्रीज़ के साथ में मिलकर भी कई साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम क्विक रिकैप कर लेते हैं फैक्ट्स के बेस पर। फर्स्ट, द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917 गेव बर्थ टू USSR विद इंस्पिरेशन ऑफ सोशलिज्म, इंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई द स्टेट। सेकेंड, रशिया वॉज द ओनली रिपब्लिक अमंग 15 रिपब्लिक्स हु डोमिनेट्स एवरीथिंग एंड पीपल इन द रीजन। थर्ड, सोवियत यूनियन लेग्ड बिहाइंड द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कुड नॉट फुलफिल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 ऑल्सो वीकेंड द सिस्टम फर्दर मोर। फोर्थ, मिखेल गोरबाचेव जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985 इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स टू डेमोक्रेटाइज द सिस्टम विच वर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन कम्युनिस्ट पार्टी एंड कंट्राडिक्टरी व्यू ऑफ पीपल।
Fifth, the people of Republic had been fed up with old-style rule of Soviet bloc, and in December 1991, under the leadership of Boris Yeltsin, an elected leader, Russia, Ukraine and Baltics declared themselves independent. Sixth, the formation of Commonwealth of Independent States, CIS, came as a surprise, and the exclusion of these states was resolved by making them founder members of the CIS. Seventh, Russia was accepted as successor state of Soviet Union by inheriting a Soviet seat in UN Security Council, who accepted all international treaties and commitments of Soviet Union and carried out some nuclear disarmament measures with US. Eighth, now Soviet Union had been disintegrated on the grounds to maintain nuclear and military arsenals. Awareness of people of their backwardness than Western capitalism, as well as alienation of ordinary people who were exempted from any kind of privileges. Ninth, the rise of nationalism and the desire for sovereignty within republics like Russia, the Baltic republics, Ukraine, Georgia, and others proved to be the most immediate cause for disintegration of USSR. Tenth, disintegration of USSR resulted into the end of Cold War confrontations, created dominant capitalist system, emerged many new states, and the advantage was taken by Central Asian countries of their geographical locations by maintaining relations with Russia, the West, the US, China, and others. 11th, the process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system in the Russia, Central Asia, and East Europe was influenced by World Bank and IMF, came to be known as shock therapy. 12th, shock therapy involved privatization of property, private firms emergence, complete switch over to free trade and foreign direct investment, financial opening up, currency convertibility, as well as breakup of existing trade alliances among the countries of Soviet bloc to maintain relations directly with the West. 13th, shock therapy resulted in the largest garage sale in history, declined value of Russian currency ruble due to inflation, food was imported, destroyed old social welfare system, migration of educated and intellectual manpower, and disparities due to privatization between rich and poor regions of Russia. 14th, the constitution of newly democratic institutions was drafted in a hurry, where strong executives appointed themselves as presidents due to weak parliament and lack of independent judiciary, as in Russia, Turkmenistan and Uzbekistan. 15th, Russia revived in 2000 due to export of natural resources like oil, natural gas and minerals, which were available in abundance in Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan and Uzbekistan, and from where these pipelines crossed were paid on rent. 16th, most of the former Soviet republics had civil wars and insurgencies, as in Russia. Two republics, Chechnya and Dagestan, had violent secessionist movement in Central Asia. Civil war took place in Azerbaijan and Georgia. Czechoslovakia was also split into two. Even countries and provinces like Ukraine, Kyrgyzstan and Georgia were fighting over river water, leading to instability and making life difficult for ordinary people. 17th, the Central Asian republics were rich in hydrocarbon resources for economic benefit, as oil companies and outside powers had a competition to exploit these natural resources. Also, the US approached them to hire bases and territories during wars in Iraq and Afghanistan. 18th, Russia and India share a vision of multipolar world order, collective security, greater regionalism, negotiated settlements of international conflicts on independent foreign policy and decision-making through UN. 19th, India is benefited from Russia on issues of Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, access to Central Asia and balancing its relations with China.
In return, Russia has also been benefited from India on the ground of second largest arms market for Russia. Now, words that matter. Soviet system. Soviet system was introduced after Russian Revolution in 1917 based on the principles of egalitarian society and planned economic control by the state. Socialist bloc. The East European countries were known as socialist bloc because these countries were liberated from the fascist forces and their political and economic systems were based on this bloc only. Capitalist economy. In this economy, land and productive assets are owned and controlled by capitalists. Unipolar system. Affairs at international level are dominated by only one superpower. Multipolar system. Affairs at international level cannot be dominated by one superpower only. Instead, group of countries play an important role. Egalitarian society. It believes that all people are equally important and should have the same rights and opportunities in life. Largest garish scale. It was resulted due to shock therapy to undervalue the valuable industries of USSR to sell them at throwaway prices. Shock therapy. The model of transition from authoritarian socialist system to a democratic capitalist system in Russia, Central Asia, and East Europe under the influence of the World Bank and IMF. Now we will talk about timeline. So, in March 1985, Mikhail Gorbachev elected as the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union, appoints Boris Yeltsin as the head of the Communist Party in Moscow, initiates a series of reforms in Soviet Union. In 1988, independence movements begins in Lithuania, later spreads to Estonia and Latvia. October 1989, Soviet Union declares that the Warsaw Pact members are free to decide their own future. Berlin Wall falls in November. February 1990. Gorbachev strips the Soviet Communist Party of its 72-year-long monopoly on power by calling on the Soviet Parliament, Duma, to permit multi-party politics. March 1990. Lithuania becomes the first of the 15 Soviet republics to declare its independence. In June 1990, Russian Parliament declares the independence from the Soviet Union. In June 1991, Yeltsin, no longer in the Communist Party, becomes the President of Russia. August 1991, the Communist Party hardliners stage an abortive coup against Gorbachev. In September 1991, three Baltic republics of Estonia, Latvia and Lithuania becomes UN members, later join NATO in March 2004. December 1991, Russia, Belarus and Ukraine decided to annul the 1992 Treaty on the Creation of the USSR and establish the Commonwealth of Independent States, CIS, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan joined the CIS. Georgia joined later in 1993. Russia took once the USSR seat in the United Nations. In 25 December 1991, Gorbachev resigns as the President of the Soviet Union. The end of the Soviet Union. I hope कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के रिगार्डिंग आज का ये चैप्टर आप लोगों को समझ आ गया हो. सो फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.